नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में जो स्थिति चल रही है उससे रिलेटेड राइट टू शिक्षा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। रिसेंटली हमने गुरुंग हिल, मगर हिल और स्पंगूर गैप के बारे में आपको समझाया था। इस वीडियो से आप आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हमारे सैनिकों ने चीनियों को पीछे खदेड़ के काफ़ी स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई की है। उसके अलावा हमने आपको दरबुक शियोग दौलत बेग ओल्डी रोड के बारे में बताया है दौलत बेग ओल्डी वाले वीडियो में, और हमने आपको निम्मू पद्म दारचा रोड के बारे में भी डिटेल में बताया था। इस ऊपर लगे आई बटन पे आप वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस और भारत की सरकार बहुत मेहनत कर रही है। सालों से जो ईस्टर्न लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया वो हमारे सैनिकों को प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि हमारे ट्रूप्स की मोबिलिटी सही समय पर हो पाए और सही लॉजिस्टिक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ पे हमारे सैनिकों के लिए पहुँचाया जा सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं पूह, जो एक हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, और चुमार नामक गांव एक लद्दाख में जिसको रोड जोड़ता है, वो रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि दौलत बेग ओल्डी पे, जो दुनिया का सबसे ऊँचा एयर स्ट्रिप है जो भारत के कंट्रोल में है, उसके एक ऑल्टरनेट रोड रूट के बारे में, और हरसील उत्तराखंड से करचम हिमाचल प्रदेश, ये दोनों ही बॉर्डर्स के गांव हैं एलएसी के पास, उस पे बने रोड के बारे में आपको ब्रीफली हम समझाएंगे कि क्या है ये रोड और क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, राइट टू शिक्षा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम आपके लिए नॉलेज भरे वीडियोस लाते हैं जिससे आपका लर्निंग वैल्यू इंक्रीज होता है। हम ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं जो आपको बाकी लोग जनरली इतनी आसानी से, इतनी विस्तार से नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो जिन नए रोड्स के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स में जो 73 रोड्स बनने वाले हैं वो ओवर एंड अबाउ ये दो रोड्स सैंक्शन हुए हैं। पू और चुमार के बीच आप जैसे मैप में देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल करीबन 20 घंटे लगते हैं ये 720 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस कवर करने में। सिमिलरली हरसील और करचम के बीच 450 किलोमीटर का सेपरेशन है, इसको कवर करने में करीबन 16 घंटे लगते हैं। पूह गांव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और जस्ट 18 किलोमीटर दूर है एलएसी से। और चुमार गांव इसलिए ज़रूरी है कि ये भी एलएसी के पास है, यहाँ एक मिलिट्री पोस्ट है साउथ ईस्ट पैंगोंग सो पे। पू से चुमार के बीच और हरसील से करचम के बीच की रोड्स भी लगभग 150 किलोमीटर लंबी होगी, और ये ट्रैवल टाइम जो 20 और 16 घंटे लग रहा है उसको सिग्निफिकेंटली कम करके कुछ चंद घंटे, 3-4 घंटे का कर देगा। इन दोनों रोड्स के अलावा दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी रोड समझना है जो है ससारला से दौलत बेग ओल्डी, जो DSDBO रोड के बाद चाइना में हड़कंप मच गई और उनका इतना एग्रेसिव पोस्चर देखने को मिल रहा है और वो घबरा गए हैं इंडियन आर्मी के डेवलपमेंट्स और डिप्लॉयमेंट से। ये जाहिर से बात है कि DSDBO रोड का एक स्टैंड बाय होना चाहिए, और यही है वो रोड। ये रोड सासोमा से शुरू होके नूबरा नदी से होते हुए सासरला और गपशान होते हुए दौलत बेग ओल्डी को जोड़ेगी। ये डिफेंस इन डेप्थ देगी और इमीडिएट डोमिनेशन जो चाइनीज ट्रूप्स का है DSDBO रोड के पैरेलल, उससे दूर होगा। ये सासोमा और DBO के बीच की दूरी करीबन 90 किलोमीटर है जो ये नया रोड कवर करेगा। सासोमा से सासरला तक रोड ऑलमोस्ट कवर्ड है, बन गई है, मोटरेबल हो गई है, और आगे की रोड जल्द ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फिनिश करेगा। दोस्तों, राइट टू शिक्षा के लर्निंग प्लेटफॉर्म से हम आपको दो फैक्ट बताना चाहेंगे। करीबन 32,000 के स्टाफ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिन रात काम कर रहा है हमारी आर्मी और ट्रूप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि हमारे लॉजिस्टिक्स और हमारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो पाए। इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट के तहत 73 रोड्स बनने वाली है, जिसमें से 61 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाला है इन हॉस्पिटेबल और डिफिकल्ट टेरेन में। ये रिपोर्टेड है कि करीबन 40 रोड इनमें से कम्प्लीट हो गई है और 12 और करीबन मार्च 2021 तक कम्प्लीट हो जाएगी। 11,000 करोड़ का बजट लेके 2020-2021 वाले फिस्कल ईयर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ज़बरदस्त काम कर रहा है लद्दाख और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेना को बूस्ट देने में। दोस्तों, ये सब रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हर हिंदुस्तानी को इनके बारे में पता होना चाहिए। हमें ये शेयर करने चाहिए वीडियोज़ हमारे दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि हम जानें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बचाने के लिए कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन रोड्स वाले वीडियोस
को आप पसंद कर रहे हैं, और अगर आप इनको पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों इन डेप्थ एनालिसिस और इस डिटेल में आपको ज्यादा लोग बताएंगे नहीं इन चीजों के बारे में। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिए और जुड़े रहिए राइट टू शिक्षा के साथ और नॉलेज और लर्निंग वैल्यू भरे वीडियोस के लिए। धन्यवाद।